गाय के बच्चे देखो छोटे छोटे होती है ऐसी। गुजर रहे हैं शमशान विलेज, ये उसकी गलियां हैं। क्यों जगह नहीं? किधर जाते हो? संकेत नहीं यार, हम इधर से वापस आते हैं बस। रोको देखो, ये कोई अच्छी चीज बनी ये इनके सामान खाना। अच्छा आगे रास्ता किधर किधर जाता जाएगा यार? बस इधर गांव में यही है ना, शमशान विलेज है ना, इसको उधर क्रॉस करेंगे। अब ये देखो कैसा आपको वो दिख रहा है, यही शमशान विलेज है, बस इधर से आगे गया कुछ ही। अभी ये वो ब्रिज है ना, क्रॉस करेंगे। ये हम लोग शमशान विलेज पहुंच आए, ये आप देखो सस्पेंशन ब्रिज, इससे भी जा सकते हैं और पानी ये हाँ पानी बह रहा है, पानी मजबूत है, ये कच्चा है। हाँ वो कच्चा है ना, वो फिर पानी ज़्यादा आ गया ना, फिर इसको बंदे खाली करके गाड़ी खाली गाड़ी हाँ खाली गाड़ी पर गुजारते हैं। ये हम लोग शमशान विलेज में है। हाँ हाँ आगे देखो कैसा खूबसूरत है, फोटो लेते सुबह से फोटो ले रहे हैं भाई। हाँ अभी शमशान ये आ गया देखो, मैन यार नमकीन मिट्टी है ये, नमकियात जो होते हैं ना सॉल्ट, देखो ना इसमें इसको बुर बोलते हैं, बुर ये मालमोशी ये मारखोर वगैरह खाते हैं। मारखोर को अभी कौन नमक दे देगा, बस ये खा के अपना गुजारा करते हैं। यहाँ से रात को जाके
और मश जी ये लो, ये देखें शमशान बेमिसाल, किस कदर खूबसूरत दिख रहा है। ठंडी हवा है, इधर तो गर्मी में सर्दी हो गई सर, इधर तो सही बात है गर्मी में भी सर्दी हो गई, यह बात है। बस इधर 2 महीने का सीजन होता है बस। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे? बस आते हैं ना यार, कम ही आते होंगे, जो माँ माँ बाप से बदवा हो गया वो आते हैं। क्या कहा? हमारे जैसे पागल आते हैं। माँ बाप से बदवा वाले आते हैं। देखो यार माशाल्लाह सुनशान की बेमिसाल, सुनशान बेमिसाल। हम लोग आ गए हैं शमशान और ये आप देखें गंदम, यहाँ पर अब जाके गंदम पक रही है और इसकी कटाई हो रही है। हाँ शमशान का बाजार, शमशान की गलियाँ, थर्मस में भी है अपने पास, आगे चलते हैं ना किसी थोड़ी तरह खुली जगह पे रुकेंगे गाड़ी को। ये हमें ये दिख रहा है शमशान, शमशान शमशान बेमिसाल। शमशान शमशान बेमिसाल कटाई हो रही है। एक रास्ता उधर जा रहा था, एक ये जा रहा है, बड़ा रास्ता ये है। और ये क्या लगा? आलू, आलू है। अच्छा पटाटू तो रानी है नहीं, तो अंदर होता है बेटा, मट्टी के अंदर होता है आलू। अच्छा मट्टी के अंदर होता है, उसके नीचे नीचे जो जड़ों में ना जड़ जो होते हैं उसके अंदर। ये आप देखें गंदम की कटाई,
यहाँ पे लेडीज कर रही हैं गंदम की कटाई। हाँ लेडीज ज़्यादा करती हैं। वेलकम टू शमशाल गंदम को और ऊंचा नहीं है हाइट्स होटल एंड रेस्टोरेंट यहाँ की इतनी वहाँ शहरों में सिफात गेस्ट हाउस ये है सिफात गेस्ट हाउस। इसकी एक दो लोगों से वो सुनी थी कि अच्छा बंदा है शमशाल एम्बेसी गेस्ट हाउस एंड कैंपिंग साइट्स प्रोप्राइटर मिर्ज़ादा। खुबानी है देखो ना किस कदर लगी हुई है दरख्तों में ऐसे साइड से हाथ ऊपर करके बाहर हो ये लगी हुई आपके लेफ्ट पे अच्छा गलियां इन लोगों ने बड़ी तंग रखी हैं। ये तो इस महीनों का रिकॉर्ड है ना। हाँ रास्ते कम छोड़ते हैं इनके। अच्छा मौजी थोड़ी है सीधा नहीं जाएगा पूछते हैं ना जरा किसी से बस इधर से आ जाए कुछ भी नहीं है सर छोटी जगह होगी जरा गांव से बाहर निकल के रुकते हैं ना। हाँ आगे जाते हैं जहाँ तक वापस आते हैं इनसे पूछो ना आप ये रोड किधर तक जाएगा भाई क्या चीज़ रोड इधर तो रोड नहीं अब किधर जाए बस इधर से वापस कर रहे हैं आगे कोई खोले जगह जाकर वापस हो जाएगा रोड नहीं। हाँ नहीं ना मेमोरीज लेके किया इधर से वापस किया। अच्छा तस्वीर मैसेज खींचा मेरी ऊपर नहीं है ना। हाँ बस इधर से आ गए कुछ नहीं। हाँ ये बंद है मेरा काम और ऊपर जो जा रहा था वो गांव जा रहा है गांव है थोड़ा प्यादल आगे घूम के सर तस्वीर निकाल। हाँ कीचड़ 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 है नहीं नहीं आगे क्या करना है पैदल शमशाल पे हम लोग आए हैं लास्ट पॉइंट तक और इससे आगे कुछ भी नहीं है पहाड़ ही पहाड़ है रास्ता भी नहीं है कुछ भी नहीं है वापस मुड़े उस बड़े पुल पर भी क्या है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है बस गांव खत्म हो के बड़ा पुल है ना ये माल मोशी के लिए जगह है। हाँ ट्रिक के लिए गद्दे रखे हुए हैं घोटे इधर ऊपर चले क्या है ऊपर क्या है ऊपर गांव है लाहौर में रहती है खातून। अच्छा शमशाल हम लोग आए थे और एंड पॉइंट तक गए हैं वहां से वापस मुड़े
ये अभी शमशान के विलेज से गुजर रहे हैं, गेस्ट हाउस था सफात गेस्ट हाउस, बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है, साफ सुथरा, वहाँ पे रुके हैं, चाय पी है, बिस्किट खाए हैं, गोप्रो वाली सीरीज में उसका मौजूद होगा सारा वीडियोस क्लिप्स। तो अब इस वक्त ऑलमोस्ट 6:30 बज रहे हैं, 6:30 बजे हम लोग शमशान से निकल रहे हैं। स्टे इसलिए नहीं कर रहे कि कल हमें जाना है चुपुरसन, तो शमशान से निकल के अब हम लोग जाके इंशाल्लाह रात स्टे करेंगे सोस्त। सोस्त में हमारा रात को स्टे होगा और कल इंशाल्लाह सुबह फिर हम लोग चुपुरसन जाएंगे। ये गोई बॉर्डर क्रॉसिंग आ जाइए, सफेद पहाड़ है भाई, पहाड़ दिख रहा है शायद साल के 12 महीने रहती होगी। लो लाइट हो गई ना, शमशान से हम लोगों का सफ़र जारी है सोस्त की तरफ, वापसी का सफ़र। गुजारा करके सर बस है, खाने में बहुत सुस्त हूँ मैं, तो उसने मुझे बोला नो 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 ख़त्म करो बोला ये। अच्छा, मैंने बोला सर ये हमसे ख़त्म नहीं होता, ये 5 दिन का तुमने राशन लाया। तो मुझे बोला नहीं नहीं तुम खाने का बिल्कुल ज़ीरो है, थोड़ा मछली खाया थोड़ा दाल खाया बस पेट भर गया ना सर। रोजा रख के तो वैसे भी नहीं खाया जाता, वैसे भी नहीं खाएगा, 2-3 गिलास पानी पिया बस ख़त्म, फुल हो गया। तो मुझे बोला बस ये है, मैंने बोला ये नहीं ये ख़त्म करोगे। फिर 1 घंटा उसने मुझे वो टेबल पे रोका। अच्छा, तो मैंने बोला तुम सुबह तक रोको, मैंने इस चीज़ बस खाना नहीं। तो इतने अच्छा बंदा था ना सर, रास्ते में जाकर मैं ज़रा बोर हो गया तो उसकी वाइफ इधर मेरे साथ बैठी हुई थी। अच्छा, तो वो वाइफ के कान में कोई म्यूजिक लगा हुआ था, तो अब इस जापानी म्यूजिक में क्या करूँ। सही, तो वो वाइफ नीचे से मुझे देख के मुझे बोला कि ये तुम लगाओ, बोला कान में म्यूजिक वो चीज़ उसके पास था, तो वो निकाल कर मुझे पीछे से उसे बोला निकाला मेरा कान से। वो बेगम को गुस्सा हो गया, वो ये सुन के ये कहीं गाड़ी नीचे डालेगा, अब तो रमज़ान है तो खुद सुनो बोला उसको। सही, तो मैंने बोला भाई ठीक है कोई मसला नहीं, वो दोनों झगड़ा हो गए आपस में। अच्छा, तो फिर छतराल में जाकर सर कैलाश मिलाश करा के छतराल में आकर दीर जाना है ना अभी हमने, तो मुझे बोला कि भाई बड़ा से बड़ा नमक, नमक नहीं है नमक, हाँ नमक का एक पत्थर मुझे चाहिए, बोला मैं जापान ले जाता हूँ। अच्छा, तो फिर उधर चित्राल के आखिर में एक दुकान में बड़े बड़े नमक के कान रखा है। सही, फिर मैंने उसने मुझे बोला सबसे बड़ा तोलो, सबसे बड़ा तोलवाया तो कोई 1.5 मन हो गया सर। मैंने बोला यार इतना बड़ा किधर ले जाता, उसने बोला शाहीन ये मुझे चाहिए उधर जापान ले जाता हूँ, इसका किराया तकरीबन 1.5-2 लाख रुपये ले लेंगे अभी हमसे। अच्छा, और हमने ले के जाना है वो। सही, फिर उनका सामान खोल के नीचे रखे, ऊपर उनका सामान बांध के सर चला गया। फिर जाकर इस्लामाबाद होटल में मैंने उनको पहुंचाया, तो फिर मियाँ बीबी ने आपस में कोई बातचीत करके मियाँ ने एक लिफाफा मुझे दिया और वाइफ ने मुझे बुलाया इधर। वो मियाँ अंदर होटल में गया ना, वो बाहर मेरे साथ खड़ी थी, बहुत अच्छी खातून अक्सर। सही, उसने मुझे बोला जल्दी इधर आओ, बोला गाड़ी के पीछे आया, पीछे आया तो उसने मुझे बोला आपको जो देना है वो लिफाफे में वो दे देगा, वो दे देगा, मरिए मेरी तरफ से जल्दी जल्दी ले लो, बोला हाथ हाथ में कुछ
ये चीज़ दिया उसने मुझे, और एक बैग में कोई सामान था वो दिया, तो मैंने उनको संभाला, मुझे बोला चुप करना है, उसको बताना नहीं है। तो वो बहुत बुरा बंदा है बोला, वो बूढ़ा। अच्छा, मैंने उस चीज़ को मैंने वो भी अंदर गई होटल में, मैंने उसको खोल के देखा, मैं जो खोला खोल के देखा तो सर हिसाब मैंने जल्दी जल्दी किया तो 50,000 रुपये है, वो उसको निकाल के इस तरह मुझे पढ़ाया। अच्छा, मैंने बोला यार इसने तो बड़ा सख्त काम किया है, मैंने क्या बताया। फिर वो मियाँ ने मुझे लिफाफा किया तो उसने कोई 30,000 रुपये किए सर। अच्छा, शाहीन भाई ने फिर मुझे बोला ये 5,000 रुपये मेरी तरफ से, आप ने हमें सारा चीज़ें दिखाया तो कोई 50-60,000 रुपये दे के आ गया सर 5 दिन में। तो हमारा वो सेट उधर आना था ना जहाज़ में गिरगित से, तो फ्रांस जा रहा था। फिर वो उधर मिला उसके अपना हिसाब किताब ला, फिर मैं गिरगित कार सारी जगह आ जाएगी, सिर्फ ऐसी जगह आके मसला होगा ना, लगेगी एक जगह आके। नहीं ये वो नहीं है, नहीं 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 ये दूसरा है, वो तो अभी तक 3-4 है, तीसरा है। हां कराची का 2 दिन उधर एक रेंट कार वाला रखा था, टीट में हम होशियार हो जाते हैं। हाँ, टीट में हो रहा देखो ना, जैसे ये दिन में पता नहीं लगता, टीट होता है ना तो आग पता लग जाता है कोई गाड़ी आ रही है, तो क्रॉसिंग है कुछ है। मुझे बोला यस यस तुम्हारा ये टीट वो हरन से तंग है ना सर, अंधाधुन हरन लगाया तो तंग हो जाता है। हाँ ये है, एक बंदा इधर मेरे हरन लगाया तो कान बंद कर देता। सही बोला यार, अभी हरन नहीं लगा के हम क्या करेंगे। पर इधर तो पाकिस्तान में इधर तो मोड़ों में देना पड़ता है हॉर्न, उसके बगैर गुजारा नहीं। मैंने उसको बताया ना सर, अगर पाकिस्तान में आया तो मिट्टी खाना पड़ता है, ये कच्चा रोड है। हाँ। अच्छा धूप खाना पड़ता है, बर्फ खाना पड़ता है। अच्छा अच्छा सो रहा है नवाज अली ख्वाब में है। अच्छा मैं आज बोल रहा सर, मैंने रिवर्स करके गाड़ी डाला बंद कर दी, डाला पे उसका बैग था, बैग को अंदर करके लगाया तो ये बैनेट के ऊपर पानी चढ़ गया ना। सही, अभी मैंने रिवर्स में लगाया है, रिवर्स में मैंने गाड़ी पार किया तो उसने बहुत ऊपर गाड़ी पे ही बैठ के तस्वीर निकाला आगे पीछे का सब कुछ का। सही, मगर गाड़ी नहीं चलाया सर उसने। मैंने मुझे बोला बस गाड़ी नहीं चलाना, गाड़ी ड्राइविंग बस। जब हमसे नहीं हो गया इधर और चलाना ही फोल है, मुझे बोला अभी ड्राइविंग तुम खुद करो। ऐसे लोग भी होते हैं। सही यार, तो बड़ा पानी में तो ठीक ठाक पानी होता है ना, और डालने ना वो ऊपर से आता है पानी, ऊपर नीचे से आता है पानी नीचे डाल के बेचो, रोड ही खाली हो गया अंदर से। उस टाइम ये पानी में जाती थी गाड़ी, वो पट्टे नहीं होते थे, टूटते थे बिल्कुल। अभी तो आरसीसी ब्रिज बना दिया है ना, अभी तो उसका मजा ही खत्म हो गया है। मेरा वो मंसेरा से मेरा मैं मतलब ताज़ा एक दुल्हन और एक दुल्हा को लेके आया था। अच्छा, हनीमून मनाने के लिए, वो मुझे बोलते पानी में जाएगी, दीदी बोला ये मेहरान किधर से जाएगी, जाएगा तुम्हारा दिमाग। सर बस इस तरह उठे टाइम पास हो गई। हाँ हाँ ये
बस एक दफा ही करने वाला है, बस एक दफा जाने वाला है शमशान, बार बार जाने वाला नहीं है। पहले मैंने आपको बताया ना इधर अंग्रेज जा कर, अभी ये अंग्रेज नहीं छोड़ने के लिए पुलिस भेज रहे, पहले पुलिस ही नहीं थे उधर। अच्छा ठीक है, अभी पुलिस ये अंग्रेज के ऊपर पाबंदी है। सही, पहले तो इधर से आकर मैंने आपको बताया ना, इसका दो भी निकलते थे। हाँ हाँ हाँ, इधर से उधर ये खून जरा काट के निकलते थे सही करके, कुछ मरते थे कुछ जिंदा बच के आते थे। हाँ हाँ, कुछ तीन तीन चार चार दिन हाँ ठेक करके वापस आते थे। सही, मेन वो है ना शमशान पास, वो जो ऊपर एक ऐसे दरवाज़ा सा वो बनाया हुआ है, उधर दो दिन की ट्रैकिंग जो है वो। जो 20 साल से आता है वो बंदा लेके मैं तीन चार दफा इधर आया सर। सही, तो ये मोड़ों में खड़ा करके बस कैमरे निकाल के जो भी मोड़ है वो ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ। कमाल उसका ये है कि भाई वो चलते हुए गाड़ी पे पूरा फिल्म निकाल के कैमरा एक कैमरा से निकाल के फिर दूसरा कैमरा उठाता है, दूसरा कैमरा उठा के पीछे की तरफ तीन चार रख, आगे की तरफ तीन चार रख। डर लगता है बहुत हाइट पे इधर दरिया, बहुत हाइट, हम यानी हम बहुत हाइट पे, दरिया बहुत नीचे है। कब्रिस्तान के बराबर है सर, झाड़ियों वाला एरिया, ये झाड़ियाँ लगी है ना ये। गाड़ी मुश्किल से गुजरती है, दूसरी गाड़ी की क्रॉसिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये इन्होंने अभी ब्लेड चलाया है, ताज़ा ताज़ा ब्लेड चलाया है इसमें। ढाई घंटे में पहुंचा दिया वो अताबाद, उसकी अपना बस की लाइट्स
के एच के नज़दीक आ गए हैं, सामने सुपर टावर वगैरह सब दिख रहा है। ये आखिरी पुल है, हाँ इसकी साइडें भी टूटी हुई है भाई लकड़ी की, दो जगह से किसी ने गुजरी है गाड़ी है क्या किया है। तख्ते भी निकल रहे हैं। खैरियत से इस पार आ गए, ये आ गए जी हम KKH पे 9:01 पे, यानी हमारे 2.5 घंटे लगे, 6:30 वहां से चले थे, 2.5 घंटे में KKH का।